नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर सुब्रदेव हे महेश्वरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, मतलब ये वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये संडे की ही है और उसी दिन जिस दिन हम श्री हनुमान जी के मंदिर गए थे फ्रेंड्स, उसी दिन हम शिव मंदिर भी गए थे। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाता, इस वजह से इसको मैंने मतलब आज कंटिन्यू किया। और फ्रेंड्स ये देखिए, चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ और फ्रेंड्स इतनी अच्छी ग्रीनरी थी ना, मतलब यहाँ का रोड ऐसे लग रहा था जैसे कसौली का रोड होता है ना फ्रेंड्स, सेम टू सेम वैसे ही रोड था। और इतना मज़ा आ रहा था ना फ्रेंड्स, मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी बारिश की। और फ्रेंड्स बच्चों ने और हमने सब ने बहुत इंजॉय किया, मम्मी पापा ने, हम सारी फैमिली गए थे। और फ्रेंड्स ये देखिए कितना घुमावदार रास्ता है ये। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं, मम्मी पापा, हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे भुआना के शिव मंदिर में। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शिव मंदिर है यहाँ का। और आसपास ना फ्रेंड्स दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा किसी का, क्योंकि चारों तरफ देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी है। और जैसे ही हम मतलब आधे रास्ते में थे ना, तब से ही हवा चलने लगी थी, बल्कि मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे इतनी गर्मी में मतलब हम जा रहे हैं यहाँ पे तो कितनी गर्मी है। और फ्रेंड्स भोले शंकर ने ना मतलब इतना अच्छा एटमोसफियर कर दिया ना, मतलब कि गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं रहा। इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और इतनी मतलब बूंदें पड़ रही थी हल्की हल्की बारिश। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे कि पेड़ भी हिल रहे हैं फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े। और बहुत तेज़ मतलब आंधी चल रही थी और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स हमें जाके। और देखिए फ्रेंड्स बीच में बैठे हैं हमारे भोले शंकर जी, इनके भी दर्शन कर लीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत बड़ी मूर्ति है फ्रेंड्स यहाँ की। और पर चारों तरफ फ्रेंड्स बस पहाड़ ग्रीनरी दिखेगी आपको फ्रेंड्स। यहाँ ना आके फ्रेंड्स बिल्कुल क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है और इतनी शांति मिलती है ना, मतलब पूरा मन शांत हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे आके तो। और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, हमें भी इंजॉय किया हमने और बहुत ही अच्छा पीस ऑफ माइंड फ्रेंड्स। अगर शांति वाली जगह है ना तो ये बेस्ट है उसके लिए। तो तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं और क्रिस्टी अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। बाकी सब ने तो दर्शन कर लिए हैं, बट मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने नहीं दर्शन किए थे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं भी दर्शन करने चलती हूँ और आपको भी दर्शन करवाती हूँ भोलेनाथ जी के मंदिर के। तो देखिए फ्रेंड्स ये शेषनाग बैठे हैं, कितने प्यारे, और शेषनाग के नीचे बैठे हैं भोलेनाथ जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स मंदिर में आते ही सारा ना क्रिस्टी भी घंटियां बजाने लगी थी, कितनी क्यूट लग रही है। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर सुब्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर सुब्रदेव हे महेश्वर। तो फ्रेंड्स घर जाने का तो बिल्कुल हमारा मन कर नहीं रहा था, बट फिर भी फ्रेंड्स घर तो जाना ही पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर और मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपको भोलेनाथ के एक बार और दर्शन करवा दूं। और ये देखिए फ्रेंड्स रास्ते का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे मतलब यहाँ पर ग्रीनरी है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब अभी ना जाम लग गया क्योंकि ना ये रैली जा रही है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स सब ने भारत माता के झंडे लगाए हुए हैं अपनी गाड़ियों पे और रैली निकाल रहे हैं। और फ्रेंड्स कितना मज़ा आ रहा है, तो बहुत इंजॉय किया फ्रेंड्स आज हमने। और फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुंच चुके हैं पिंजौर गार्डन के पास। और ये देखिए फ्रेंड्स बाहर से पिंजौर गार्डन को भी देख लीजिए, इसका भी फ्रेंड्स मैं ज़रूर आपके साथ व्लॉग बना के शेयर करूँगी फ्रेंड्स। ये भी मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लेस है और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स घूमने।